अस्सलामुअलैकुम। आज का हमारा जो टॉपिक है वो मोलर प्रेगनेंसी है और इसमें प्री मेलिग्नेंट और मेलिग्नेंट दोनों कंडीशंस आज हम डिस्कस करेंगे। ओवरऑल जो मोलर प्रेगनेंसीज हैं वो अफेक्ट करती हैं 0.6 से 2.3 पर 1000 प्रेगनेंसीज और इसके अलावा जो ड्यूहर्स में लिखा है कि लाइव बर्थ्स कितनी इफेक्ट होती हैं उसमें 0.2 टू 1.5 पर 1000 लाइव बर्थ्स अफेक्ट हो रही होती हैं इससे। जेस्टेशन ट्रोफोब्लास्टिक डिजीज़ हम तब कहते हैं अगर कोई बी9 कंडीशन है जो रिजॉल्व कर जाती है फॉलोअप में रखते हो, HCG नॉर्मल होते हैं इनका। इसमें कंप्लीट मोल है, पार्शियल मोल है, इसके अलावा एक रीसेंट अभी कंडीशन है जिसे कहते हैं एटिपिकल प्लेसेंटल साइट नोड्यूल, ये भी बी9 में आएगी। 10-15% रिस्क होता है इसमें मेलिग्नेंसी का। और जो अगर यही डिज़ीज़ जो है परसिस्टेंट हो जाती है जिसमें फॉलोअप पे बीटा सी नॉर्मलाइज नहीं होता, स्टैटिक रहता है या रेज्ड होता है, तो सस्पिशन होती है कि ये मेलिग्नेंसी में कन्वर्ट हो रही है, तो उस कंडीशन को कहते हैं जेस्टेशनल ट्रोफोब्लास्टिक न्यूप्लेसिया। और उसमें वो इन्वेसिव मोल्ड भी हो सकता है, कोरियोकार्सिनोमा हो सकता है, या प्लेसेंटल साइट ट्रोफोब्लास्टिक ट्यूमर या एपिथेलियोइड ट्रोफोब्लास्टिक ट्यूमर, कोई भी कंडीशन इसमें हो सकती है। अगर मोलर प्रेगनेंसीज की बात करें कंप्लीट और पार्शियल मोल की, तो पार्शियल मोल ज़्यादा कॉमन है और इनकी जो रेशियो है पार्शियल टू कंप्लीट मोल वो 60-40 है इन UK। और एज वाइज अगर इनके रिस्क फैक्टर डिस्कस करें तो एक्सट्रीम ऑफ एज पे ज़्यादा इफेक्ट होती है, जो एक्सट्रीम ऑफ एज की पेशेंट्स होती हैं वीमेंस होती हैं उसमें, अगर उस 18-40 ईयर्स जो यंग एज में होती हैं, जैसे 15 साल से कम उम्र की जो बच्चियाँ होती हैं अगर उनमें ये प्रेगनेंसी होती है तो उनमें 6-fold इंक्रीज रिस्क होता है मोलर प्रेगनेंसी का। और अगर 45 से ज़्यादा एज है तो उसमें 300-fold इंक्रीज रिस्क है मोलर प्रेगनेंसी का। यानी कि स्टार्ट की एज में इनमें 40% चांसेस होते हैं कि इनमें मोलर प्रेगनेंसीज हो, और आफ्टर 45 इनमें 90% चांसेस होते हैं कि मोलर प्रेगनेंसी हो सकती है। रिस्क फैक्टर्स में एक तो उसका एज होगी एक्सट्रीम ऑफ एजेस, दूसरा अगर प्रायर मोलर प्रेगनेंसी की हिस्ट्री है तो नेक्स्ट टाइम भी मोलर प्रेगनेंसी उसमें हो सकती है, या फिर जिन पेशेंट्स का ब्लड ग्रुप ए या ए बी होता है उनमें ज़्यादा चांसेस होते हैं मोलर प्रेगनेंसी का। अब हम डिफरेंट टाइप्स को थोड़ा डिटेल में डिस्कस कर लेते हैं। जो पार्शियल मोल होते हैं और कंप्लीट मोल, ये दोनों जेस्टेशनल ट्रोफोब्लास्टिक डिजीज़ में आती हैं जो कि प्री मेलिग्नेंट कंडीशंस हैं। कंप्लीट मोल जो है ये एंड्रोजेनेटिक इन ओरिजिन होता है, इसमें जो रिसीव करता है क्रोमोसोम्स ये पेटर्नल क्रोमोसोम्स होते हैं, और इसका जो जेनेटिक मेकअप होता है वो डिप्लॉयड होता है, 46XX मेजोरिटी में होगा और कुछ केसेस में ये 46XY कैरियोटाइप होती है इसकी। और इसमें बाज़ औक़ात एक रेयर कंडीशन होती है जिसमें एक मेटर्नल सेट होता है पेटर्नल सेट होता है, लेकिन मेटर्नल जो जीनोटाइप है या मेटर्नल वो एक्सप्रेस नहीं होती है और सिर्फ पेटर्नल क्रोमोसोम्स एक्सप्रेस होते हैं। इस कंडीशन को कहते हैं रिकरेंट फैमिलियल हाइड्रेटिफॉर्म मोल सिंड्रोम। इसमें पेशेंट रिकरेंट मोलर प्रेगनेंसीज के साथ प्रेजेंट करती है, ये ऑटोसोमल रिसेसिव कंडीशन होती है और इसमें एक जीन की इन्वॉल्वमेंट होती है, इसमें म्यूटेशन हो जाती है NALRP7। 75% केसेस ये जीन इन्वॉल्व होती है NALRP7 और 5-10% केसेस में KHT3CL जीन होती है जो इसमें इन्वॉल्व होती है। ओवरऑल कंप्लीट मोल में अगर देखें तो एक तो ये याद रखना है कि डिप्लॉयड होता है, ठीक है, इसका जेनेटिक मेकअप, और इसकी जो अपेयरेंस होती है वो आपने याद रखनी है, उसमें डिफ्यूज़ हाइड्रोपिक कोरियोनिक विलाय होंगे विथ ट्रोफोब्लास्टिक हाइपरप्लेजिया, और साथ में ये मैस ऑफ मल्टीपल वेसिकल्स बना रहे होते हैं जिसको हम अंगूरी हमल भी इसको हम कहते हैं, और इसमें कोई फीटस का एविडेंस नहीं होता, एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट नहीं मिलेगी आपको, मिनिमल या नहीं मिलेगी, फीटस तो आपको नज़र ही नहीं आएगा। तो ये कंप्लीट मोल में क्या हो गया, डिफ्यूज हाइड्रोपिक कोरियोनिक विलाय विथ ट्रोफोब्लास्टिक हाइपरप्लेजिया। जो पार्शियल मोल होता है वो ट्राइप्लॉयड होता है, उसमें 69XXY हो सकता है, 1 maternal and 2 पेटर्नल हैप्लोइड सेट्स होते हैं, इसमें मेटर्नल 1 होगा पेटर्नल 2 होंगे, और पेटर्नल जो हैप्लोइड सेट्स होते हैं जो कि 2 इन नंबर होते हैं वो इधर डायस्पर्मिक फर्टिलाइजेशन की वजह से होते हैं या फिर सिंगल डिप्लोइड स्पर्म होता है जो अनरिड्यूस्ड फॉर्म में होता है, और इसमें फीटस भी होगा समटाइम्स और लार्ज प्लेसेंटा होता है इसमें। अच्छा, इसमें दो कंडीशंस है, एक तो जो नॉर्मली जिसमें 1 maternal and 2 paternal हैप्लोइड सेट्स होंगे, इसमें लार्ज प्लेसेंटा होगा विद लेस फ्लोरिड अपेयरेंस एज कम्पेयर टू दैट ऑफ कंप्लीट हाइड्रेटिफॉर्म मोल, और हाइड्रोपिक विलाइस में फ्लोरिड अपेयरेंस होगी लेकिन कम होगी एज कम्पेयर टू कम्प्लीट, और फीटस जो यूजली होता है वो कुछ ही वीक्स के अंदर अंदर उसकी कारी ख़त्म हो जाती है, वो बीच में उसकी डेथ हो जाती है फीटस की। ओकेजनली क्या होता है कि ग्रोथ रिस्ट्रिक्टेड फीटस आपको नज़र आएगा, वो एक कंडीशन होती है जिसमें
टू मेटरनल और वन पेटर्नल यानी उलट हो जाता है, मेटरनल दो सेट्स होते हैं उसमें और एक पेटर्नल होता है, और इन केसेस में ये होता है कि प्लेसेंटा स्मॉल होता है और साथ में एक ग्रोथ रिस्ट्रिक्टेड फीटस आपको मिलेगा। तो पार्शियल हेरेडिटी फॉर मोल में वेरिएशंस क्या हैं कि एक तो जो टिपिकल इसकी कंडीशन होती है जिसमें वन मेटरनल और टू पेटर्नल सेट्स होंगे और ट्रोफोब्लास्टिक ग्लाइका हाइपरप्लेजिया होगा, लेकिन लेस फ्लोरिड अपेयरेंस होती है एज़ कम्पेयर टू कम्प्लीट मोल जिसमें वेजिकुलर अपेयरेंस टिपिकल नज़र आ रही होती है। और इन पेशेंट्स में अगर आपको छोटा सा ग्रोथ रिस्ट्रिक्टेड फीटस आपको मिल रहा है, दैट्स मीन इसका एक वेरिएंट है जिसमें टू मेटर्नल और वन पेटर्नल सेट की इन्वॉल्वमेंट होती है, होता है ये ट्राइप्लॉयडी है और इसमें ग्रोथ इसमें ज़्यादा चांसेस होते हैं। आपको अंदाज़ा हो जाना चाहिए कि अगर ये मोलर प्रेगनेंसी है भी आपको सस्पिशन है तो ये पार्शियल मोल होगा, इट्स नॉट कम्प्लीट। कम्प्लीट में फीटस का एविडेंस नहीं होता, उसमें आपको सारी स्नो स्टॉर्म अपेयरेंस नज़र आती है अल्ट्रासाउंड के ऊपर। तो इस तरह से कम्प्लीट मोल एक तो डिप्लॉयड है और दूसरा उसमें फ्लोरिड अपेयरेंस होती है, वेजिकुलर अपेयरेंस होती है, ट्रोफोब्लास्टिक हाइपरप्लेजिया डेवलप हुआ हुआ होता है और फीटस या मिनिमल एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट आपको नज़र आएगी उस पर। और जो पार्शियल मोल होता है वो ट्राइप्लॉयड होता है और इसमें प्लेसेंटा लार्ज होगा, समटाइम्स स्मॉल प्लेसेंटा के साथ जो है एक ग्रोथ रिस्ट्रिक्टेड सा फीटस होगा, लेकिन प्लेसेंटा में हाइड्रोपिक चेंजेस होंगी, हाइपरप्लेजिया होगा लेकिन कम होगा एज कम्पेयर टू कंप्लीट मोल। ओवरऑल देखें तो जो जेस्टेशनल ट्रोफोब्लास्टिक नियोप्लेजिया डेवलप होने के चांसेस होते हैं वो कंप्लीट के अंदर 15% चांसेस होते हैं और पार्शियल में 0.5% चांसेस हैं कि वो आगे जाके नियोप्लेजिया डेवलप कर ले या मैलिग्नेंट कंडीशन में कन्वर्ट हो जाए। नेक्स्ट जो इसमें आता है, इसमें फैमिलियर रिकरेंट हाइड्रेडिफॉर्म मोल सिंड्रोम हमने डिस्कस कर लिया, ये कंप्लीट फॉर्म कंप्लीट मोल की टाइप है जिसमें थोड़ी सी जीन्स की स्पेसिफिक इन्वॉल्वमेंट बताई है और इसमें बार बार मोलर प्रेगनेंसीज के साथ पेशेंट प्रेजेंट करती है। नेक्स्ट जो कैटेगरी है वो है ट्विन प्रेगनेंसीज के साथ समटाइम्स मोलर प्रेगनेंसी प्रेजेंट करती है जिसमें एक ट्विन नॉर्मल होता है और एक मोलर होता है। इनके ये इफेक्ट बहुत रेयर होता है, 1 to 5 per 1 lakh प्रेगनेंसी को इफेक्ट करेगी और इसकी कॉम्प्लिकेशंस में मदर को हेमरेज हो सकता है, यूट्राइन परफोरेशन हो सकती है, प्री एक्लेम्पशिया टॉक्सीमिया डेवलप हो सकता है और मैलिग्नेंट चेंज भी हो सकता है। इस तरह की प्रेगनेंसी जो ट्विन्स में आ जाता है आपको सस्पिशन होती है मोलर की, तो इनको आपने काउंसिल करना है अच्छा और इसको मॉनिटर करना है, इस प्रेगनेंसी को क्लोज मॉनिटरिंग करनी है, पेशेंट्स को रिकरेंस और फर्दर प्रोग्रेशन टू GTN के बारे में बताना है, फॉलोअप के बारे में बताना है, गाइड करना है। और इसमें लाइव बर्थ रेट जो है वो 25% है, 36% में प्री मेच्योर डिलीवरी हो सकती है और 40% केस में मिसकैरेज हो जाता है अगर ट्विन प्रेगनेंसी है। और इसमें जो गाइडलाइंस में भी एडवाइस किया गया है कि कैरियोटाइपिंग कराते हो, प्रीनेटल कैरियोटाइपिंग करा के आप देख लेते हो फीटस के बारे में, और नॉर्मल कोर ट्विन है तो उसका भी आपको पता चल जाता है। एक और बीनाइन कंडीशन है एटिपिकल प्लेसेंटल साइड नोड्यूल, इवैक्यूएशन के बाद समटाइम्स ब्लीडिंग परसिस्ट करती है पेशेंट को, इरेगुलर ब्लीडिंग के साथ पेशेंट प्रेजेंट करती है आफ्टर डायलिटेशन कैरेटाज, और इसमें जो है प्लेसेंटल साइड पे एक नोड्यूल डेवलप हो जाता है। ये कम्प्लीटली नॉर्मली तो ये होता है कि प्लेसेंटल टिश्यू कम्प्लीटली रिग्रेस कर जाता है, लेकिन मैं परसिस्ट करता है, नोड्यूलर फॉर्मेशन हो जाती है उसके अंदर। और इसके अलावा इनमें 10 to 15% चांसेज होते हैं कि इनमें आगे जाके प्लेसेंटल साइड ट्रोफोब्लास्टिक ट्यूमर या एपिथेलियोइड ट्रोफोब्लास्टिक ट्यूमर जो कि मैलिग्नेंट फॉर्म्स हैं उसमें ये कन्वर्ट हो जाए। तो एटिपिकल प्लेसेंटल साइड नोड्यूल्स को ये करते हैं कि वो इसको कंफर्मेशन के बाद इनमें कुछ टेस्ट कराते हैं, इसमें लोकल MRI पेल्विस करा के चेक कर लेते हैं, अगर वो भी नॉर्मल होते हैं तो फर्दर इस तरह के पेशेंट्स की मॉनिटरिंग वो नहीं करते। अभी कोई रीसेंट इसके बारे में नहीं है कि टिपिकल प्लेसेंटल साइड नोड्यूल्स अगर मिलते हैं और उस पर MRI पेल्विस पे नॉर्मल आता है तो इनको कोई मजीद फॉलोअप की ज़रूरत है। रजिस्ट्रेशन करानी होती है इन पेशेंट्स की जो मोलर प्रेगनेंसीज कंफर्म्ड होती हैं, कंप्लीट मोल है, पार्शियल मोल है, कोरियोकार्सिनोमा है, ट्विन्स है जिसमें एक मोलर प्रेगनेंसी है साथ में, या प्लेसेंटल साइड ट्रोफोब्लास्टिक ट्यूमर है, एपिथेलियोइड ट्रोफोब्लास्टिक ट्यूमर या एटिपिकल प्लेसेंटल साइड नोड्यूल है, तो इनकी रजिस्ट्रेशन मस्ट होती है। नेक्स्ट जो मैलिग्नेंट कंडीशंस उसमें कोरियोकार्सिनोमा है, इसमें ये होता है कि अगर प्रॉपर इवैक्यूएशन हो जाए तो इसमें एक्सटेंड करने के चांसेस कम होते हैं, लेकिन इन्वेसिव मोल इसलिए इसको कहा जाता है, जो इन्वेसिव मोल सॉरी मैं डिस्कस कर रही हूँ, नेक्स्ट कोरियोकार्सिनोमा डिस्कस करेंगे। इन्वेसिव मोल में ये होता है कि जो प्लेसेंटल साइट जो इनका हाइपरप्लेजिया डेवलप हुआ होता है एक्सटेंड कर जाता है मायोमीट्रियम तक, अगर इसको प्रॉपरली ट्रीट और ना किया जाए या आइडेंटिफाई ना किया जाए। अर्ली इवैक्यूएशन जो होती है कंप्लीट मोल्स की और इफेक्टिव HCG सर्वेलेंस अगर आप करते हो तो उसके बाद रेयर चांसेस होते हैं कि वो इन्वेसिव मोल
की तरफ प्रोग्रेस करे, जो कि लोकली एक्सटेंड किया हुआ होता है। कोरियोकार्सिनोमा जो है ज़रूरी नहीं है इसके पीछे प्रीवियस हिस्ट्री हो मोलर प्रेगनेंसी की, ये नॉर्मल टर्म प्रेगनेंसी या एक्टोपिक के बाद या फिर अबॉर्शन के बाद भी प्रेजेंट कर सकते हैं कोरियोकार्सिनोमा के साथ। क्लिनिकल प्रेजेंटेशन इसकी वेरी करती है, मेट्स के साथ भी प्रेजेंट कर सकती है, CNS या लंग्स में मेट्स होंगे, या फिर ब्लीडिंग के साथ भी प्रेजेंट कर सकते हैं। इसमें राइजिंग बीटा सी लेवल्स और गायनेकोलॉजिकल हिस्ट्री अपने पेशेंट से लेते हो तो आपको आइडिया हो जाता है कि ये कोरियोकार्सिनोमा होगा। बायोप्सी ले भी सकते हो लेकिन उसमें सवेयर रिस्क ऑफ हेमरेज होता है, जैसे लीवर बायोप्सी के बाद देखा गया है कि बहुत शदीद हेमरेज होता है पेशेंट को, तो इसलिए अगर इसमें हिस्टोपैथोलॉजी की रिपोर्ट आपके पास अवेलेबल होती भी है तो उसमें अपेयरेंस कैसी होगी, उसमें विल्लस ट्रोफोब्लास्टिक डिजीज़ होगी, शीट्स ऑफ सिंक्सिटियोट्रोफोब्लास्ट होंगे और साथ में साइटोट्रोफोब्लास्ट, दोनों की शीट्स बनी हुई होंगी सेल्स की, हेमरेज होगा, नेक्रोसिस हो गया और इंट्रावेस्कुलर ग्रोथ पैटर्न आपको मिलेगा इनके अंदर। ये मोलर प्रेगनेंसीज के बाद भी ओरिजिनेट करते हैं, परसिस्ट करते हैं, लेकिन समटाइम्स ये एक अलग एंटिटी के तौर पे अपेयर होते हैं, जेस्टेशनल ट्रोफोब्लास्टिक ट्यूमर्स जिनकी प्रायर कोई हिस्ट्री नहीं होती, और ये बहुत बैडली बिहेव करते हैं, समटाइम्स एपिथेलियन ओरिजिन होते हैं, इनकी ट्रू फिनोटाइप होती है। तो इस तरह से इनका मैनेजमेंट है वो कॉम्बिनेशन एजेंट कीमोथेरेपी के थ्रू करते हो। नेक्स्ट वो मैलिग्नेंट कंडीशन और प्लेसेंटल साइट ट्रोफोब्लास्टिक ट्यूमर है और एपिथेलियोइड ट्रोफोब्लास्टिक ट्यूमर, ये 0.2% GTD में इन अकाउंट कर रहे होते हैं, 0.2% रेयर हैं, ठीक है, डिपेंड करता है कब प्रेजेंट करते हैं, ये नॉर्मल प्रेगनेंसी के बाद भी कर सकते हैं और नॉन मोलर जो मोलर प्रेगनेंसी है उसके बाद भी ये प्रेजेंट कर सकते हैं, और मिसकैरेज के बाद भी पेशेंट इस ट्यूमर के साथ प्रेजेंट कर सकते हैं। इनके प्रेजेंटेशन जो है वो 3 या 4 साल के बाद होती है नॉर्मली, एवरेज इंटरवल इनका इतना ही होता है, और जो मोस्ट फ्रीक्वेंट प्रेजेंटेशन होती है वो हेमेनोरिया के साथ करेंगे, एबनॉर्मल ब्लीडिंग के साथ ये प्रेजेंट करते हैं। इनके अगर पैथोलॉजी रिपोर्ट चेक करें तो जो प्लेसेंटल साइट ट्रोफोब्लास्टिक ट्यूमर है उस पर इंटरमीडिएट ट्रोफोब्लास्टिक सेल्स होंगे, लेकिन बीच में वैक्यूलेटेड साइटोप्लाज्म होगा और इसमें एक्सप्रेशन होगी प्लेसेंटल अल्कलाइन फॉस्फेटेज की और HCG की, और एब्सेंस होगी साइटोट्रोफोब्लास्ट और विलाय की। तो इसको कोरियोस इस तरह डिफ्रेंशिएट करना है, जो इन्वेसिव मोलम डिस्कस किया था वो अगर एक्सटेंड करता भी है तो मायोमीट्रियम तक जाएगा, ठीक है, उसको इन्वॉल्व किया हुआ होगा। कोरियोकार्सिनोमा में होगा कि शीट्स होंगी सिंक्सिटी और साइटोट्रोफोब्लास्ट की, और जो प्लेसेंटल साइटोट्रोफोब्लास्टिक ट्यूमर है इसमें वैक्यूलेटेड साइटोप्लाज्म होगा विद एब्सेंस ऑफ साइटोट्रोफोब्लास्ट एंड विलाय, और इसमें एक और कंडीशन इसी के साथ एपिथेलियोइड ट्रोफोब्लास्टिक ट्यूमर उसमें और प्लेसेंटल साइटोट्रोफोब्लास्टिक ट्यूमर में ये फ़र्क है कि जो एपिथेलियोइड है वो कोरियोनिक प्लेट से अराइज करता है और फीटल मेम्ब्रेन से अराइज करेगा, और इसके जो सेल्स होंगे वे छोटे होते हैं एज कम्पेयर टू प्लेसेंटल साइटोट्रोफोब्लास्टिक ट्यूमर, और इनमें जो पैटर्न होता है वो नेस्टेड होता है, नेस्ट लाइक पैटर्न होगा, नोड्यूलर वेल सर्कमस्क्राइब्ड स्कोर पैटर्न होगा, ग्रोथ पैटर्न, और इसके अलावा जो मेट्स होंगे वो लंग्स और लीवर में होते हैं, और इनका लिम्फेटिक स्प्रेड भी होता है, ज़्यादा कॉमन होता है इससे। डायग्नोसिस इन सब कंडीशंस की सीरियल बीटा HCG मेजरमेंट होती है, वो मैं आगे बताऊंगी कि मोलर के बाद कैसे फॉलोअप करते हैं, और अगर कीमोथेरेपी किसी की हुई है या किस में कीमोथेरेपी देनी है किस में नहीं देनी, और ट्रीटमेंट के बाद फॉलोअप कैसे होता है, नेक्स्ट प्रेगनेंसी कैसे करनी है, एहतियात क्या करनी है। अब जो प्री मेलिग्नेंट कंडीशंस हैं उनमें जो है वो कैसे ट्रीटमेंट है, कैसे उनको मैनेज करेंगे, और मैलिग्नेंट कंडीशंस को कैसे करते हैं। जो प्री मैलिग्नेंट इसमें कंप्लीट और पार्शियल मोल्स हैं उनमें स्टैंडर्ड जो ट्रीटमेंट है वो इवैक्यूएशन एंड केरेटाज है, सक्शन एंड केरेटाज है, मेथड ऑफ चॉइस यही है। एंटीनलेस अगर फीटल पार्ट्स हैं तो मेडिकल टर्मिनेशन आप कर सकते हो, और इसके अलावा अगर आपको रिस्क है प्रोग्रेशन का डिजीज़ का या सवेर हेमरेज है तो हिस्ट्रेक्टमी आप एडवाइस कर सकते हो पेशेंट को, या फैमिली अगर कंप्लीट है तो BTL, या फिर अगर वो विलिंग है तो हिस्ट्रेक्टमी आप कर सकते हो पेशेंट में, ताकि फर्दर रिस्क ऑफ रिकरेंस हो ही ना। अच्छा, इनका जो अल्ट्रासाउंड में फीचर्स हैं हम डिस्कस कर लिए, कंप्लीट में तो अर्ली जो क्लिनिकल फीचर्स हैं उसमें पेशेंट्स प्रेजेंट कर रहे हैं इन लार्ज यूट्रस के साथ, ब्लीडिंग होती है इनमें, ठीक है, वेजाइनल ब्लीडिंग, और पैसेज ऑफ वेजिकल्स अगर कंप्लीट मोल है तो वो टिपिकल वेजिकल्स के पैसेज का बताएगी हिस्ट्री में। इसके अलावा इनमें एनीमिया हो सकता है, हाइपरथायरॉयडिज्म वाले फीचर्स होंगे, रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस होगी, ठीक है, तो ये सब फीचर्स इसमें आ सकते हैं। और इनमें जो अल्ट्रासाउंड फीचर, जब अल्ट्रासाउंड करते हो एक तो इनका फंडल हाइट ज़्यादा होती है, ठीक है, तो आपके माइंड में आना चाहिए कि ये लार्ज पर्सेंटेज फीचर्स हो सकते हैं, इसमें पोलियाडोमनिया, मैक्रोसोमिक बेबी तो नहीं है, या आप जब फंडल हाइट एग्जामिन करते हो पेशेंट को तो आप जो है वो माइंड में ये चीज़ें रख सकते हो।
फाइब्रिड हो सकता है, ये ट्विंस हो सकते हैं, इसमें हाइड्रोप्स हो सकता है, फिटल हाइड्रोप्स। तो जब अल्ट्रासाउंड करोगे जो कंप्लीट मोल होता है उसमें इनिशियली टिपिकल हनीकॉम अपेयरेंस होती है अल्ट्रासाउंड के ऊपर, फाइन वेजिकुलर अपेयरेंस होगी, ठीक है। लेटर ऑन जाके स्नो स्टॉर्म अपेयरेंस होती है इसके ऊपर, और साथ ही साथ इसके थीका लिटल सिस्ट बनी हुई होती है ओवरीज के अंदर, जो कि HCG एक्सेसिव प्रोडक्शन होती है इनमें, तो स्टिमुलेशन ज़्यादा होगी तो सिस्ट डेवलपमेंट हो जाती है इनके अंदर। जो पार्शियल मोल है उसको अल्ट्रासाउंड में डायग्नोज करना थोड़ा सा मुश्किल है एज़ कम्पेयर टू कम्प्लीट, क्योंकि इसमें समटाइम्स ग्रोथ रिस्ट्रिक्टेड फीटस होता है, स्मॉल प्लेसेंटा होता है, लेस फ्लोरिड अपेयरेंस होती है, तो आप डाउट इसमें ज़्यादा होता है। दूसरा ये है कि क्यों डिफिकल्टी होती है पार्शियल को डायग्नोज करने में एज़ कम्पेयर टू कम्प्लीट, कि पार्शियल में जो बीटा सीजी का लेवल है समटाइम्स नॉर्मल प्रेगनेंसी की तरह होता है, उसी रेंज में आ रहा होता है, जबकि कम्प्लीट में बहुत ज़्यादा जो है ना बीटा सीजी लेवल इवन 1 लाख तक होगा, ठीक है, बहुत ज़्यादा रेज्ड होता है, तो आप आसानी से उसको कर सकते हो। गोल्ड स्टैंडर्ड जो डायग्नोसिस के लिए वो हिस्टोलॉजी की रिपोर्ट, ये हिस्टोलॉजिकल एग्जामिनेशन करते हो प्रोडक्ट्स ऑफ कंसेप्शन का, तो उस पर डायग्नोसिस क्लियर हो जाएगी ये मोलर है, कंप्लीट है, पार्शियल है, जो भी है, ठीक है। अच्छा, इनमें जो इरेगुलर फर्स्ट ट्राइमेस्टर ऑफ जेनरल ब्लीडिंग है वो 70% केसेस में देखी गई है। यूट्राइन साइज जो लार्ज फॉर डेट्स होता है वो 20% केसेस में देखा गया है, और लार्ज जो थीका लिटल सिस्ट बनी हुई होती है वो 15% केसेस में देखा गया है। एग्जेजरेटेड सिम्टम्स जिसमें हाइपरएमेसिस आती है वो 10% केसेस में देखा है। हाइपरथायरॉयडिज्म लेस देन 1% में होता है, और अर्ली प्री क्लैम्पशिया 1% में होता है। टेस्ट क्या कराते हैं, बेसलाइन टेस्ट तो सब में कराएंगे, CBC, हेपेटाइटिस बी सी, हेपेटाइटिस बी सरफेस एंटीजन, NTHCV एंटीबॉडी, ब्लड शुगर एडमिटेड पेशेंट तो फास्टिंग, और यूरिन कंप्लीट एनालिसिस, ब्लड ग्रुप, ये सब में कराओगे, साथ में स्पेसिफिक टेस्टिंग कराओगे। अच्छा, अगर कोई प्रोसीजर करना है लाइक सक्शन एंकर अटैच वगैरह, तो इनमें आपने RFTs, LFTs, और इसके अलावा थायरॉयड फंक्शन टेस्ट, स्पेसिफिक टेस्ट में आप वो भी कराते हो, बीटा एसजी कराते हो जो कि सीरियल कराना होता है आपको। अच्छा, और इसके अलावा चेस्ट एक्सरे में कराते हो, और चेस्ट एक्सरे के अलावा अगर प्रोसीजर परफॉर्म करना है, इट डिपेंड्स इसकी एज कितनी है, ECG वगैरह करा लोगे। साथ में अगर आपको मेट्स की सस्पेशन है, पेशेंट ऐसी एडवांस पे आती है, तो वो एक लेटर होने जो बहुत रेयर है, नॉर्मली इस तरह के केसेस कम देखने को मिलते हैं, अगर आती है तो फिर आपने CT जो है CT MRI उसका, उससे भी हेल्प लोगे आप, थोरेक्स का, एब्डोमेन का, पेल्विस का करोगे, चेस्ट रेडियोग्राफी और CT आप कर सकते हो। ब्रेन के मेट्स हैं तो CT MRI अब द ब्रेन आप करोगे, और साथ में अगर आपको सेरिब्रो स्पाइनल मेट्स की सस्पिशन है तो उसमें जो सीरम HCG लेवल्स होंगे वो 60 to 1 है, ठीक है, यानी कि अगर सीरम बीटा HCG लेवल जो है वो प्लाज्मा का जो बीटा HCG लेवल है वो 1 है, और 60 सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड है, 1:60 रेशो है प्लाज्मा टू सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड बीटा HCG लेवल्स या रेशो, तो ये डायग्नोस्टिक होगा कि सेरिब्रोस्पाइनल मेट्स भी हैं उसमें। रिस्क क्या होते हैं मोलर प्रेगनेंसी में, एनीमिया के, हेमरेज के, मेलिग्नेंट चेंजेस हो सकती हैं, साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स हो सकते हैं, बाकी मैनेजमेंट डिस्कस कर ली, सेक्शन एंकर अटैच करेंगे, और बहुत ज़्यादा हेमरेज है, फैमिली कंप्लीट है, पेशेंट हुड विलिंग है, तो टोटल एब्डोमिनल हिस्टेरेक्टमी कर सकते हैं, ताकि फॉलोअप से उसका जो है वो 50% तक उसका यह है कि रिस्क जो कम हो जाता है बाय हिस्टेरेक्टमी, रिस्क ऑफ प्रोग्रेशन टू ट्रोफोब्लास्टिक न्यूप्लेसिया। इनमें आप फॉलोअप कैसे कराते हो, अगर पेशेंट की अपने सक्शन के अटैच कर दिया, ठीक है, उसके बाद आपने 2 वीकली फॉलोअप कराना है, और टिल उसके जो बीटा HCG लेवल्स हैं वो 5 से कम आते हैं, 3 लेवल्स उसके 5 से कम है, अगर उसकी लेवल्स अपने वीकली या 2 वीकली आप उसको फॉलोअप करा रहे हो, और विद इन 56 डेज, दैट्स मीन 8 वीक्स के अंदर अंदर उसके लेवल्स 5 से कम आ गए हैं, तो फिर आपने पोस्ट इवैक्यूएशन काउंट करना है और 6 मंथ तक फॉलोअप रखना है। और अगर उसके जो ये लेवल है नॉर्मलाइज जो होता है लेस देन 5, वो 8 वीक्स के बाद होता है किसी भी टाइम, तो आपने उस नॉर्मल लेवल से लेके फर्दर आगे मंथली 6 मंथ के लिए फॉलोअप उसका कराना है। ये पोस्ट मोलर प्रेगनेंसी फॉलोअप हो गया, इनको बैरियन मेथड्स एडवाइस करने हैं, पार्शियल मोल है तो 6 मंथ्स के लिए, और अगर कंप्लीट मोल है तो 12 मंथ्स के लिए वो कंसीव नहीं करेगी प्रेगनेंसी, और जब तक ये फॉलोअप उसका कंप्लीट नहीं हो जाता। और इसके अलावा COCs हम क्यों नहीं इनको एडवाइज़ कर सकते, या कोई हार्मोनल मेथड, क्योंकि उसमें इरेगुलर ब्लीडिंग हो सकती है, ठीक है, या COCs एडवाइज़ कर रहे हैं तो उसमें अगर उसको ब्लीडिंग होती भी है तो वो, या फिर अगर वो ब्लीडिंग नहीं भी होती तो COCs की वजह से स्टॉप हुई होगी, और हो सकता है उसको मोलर प्रेगनेंसी हो या परसिस्ट कर रही हो, उसमें कोई ट्रोफोब्लास्टिक टिश्यू प्रेजेंट है, लेकिन COCs लेने की वजह से उसको ब्लीडिंग का हमें अंदाज़ा ना हो तो हम वो डायग्नोसिस मिस कर सकते हैं, तो इसलिए इनको बैरियर मेथड्स बेस्ट होते हैं, वो आपने रिकमेंड करने हैं।
अब किन में कीमोथेरेपी देनी है किन में नहीं देनी, ठीक है, इनमें अगर नॉर्मलाइज हो जाए ठीक है, लाइफ लॉन्ग फॉलोअप का इनमें ज़रूरत नहीं होती है, लेकिन डॉक्यूमेंट आपने मस्ट करना है, अपने पास रजिस्टर करना है इन पेशेंट्स को। फॉलोअप जो है कीमोथेरेपी के लिए इंडिकेशंस हैं जो हाई रिस्क में लिखी हैं, और इसमें क्या है कि सीरम बीटा ECG अगर लेवल 20,000 से ज़्यादा है पोस्ट वैक्सीनेशन, या फिर स्टैटिक या राइजिंग लेवल्स है बीटा ECG के किसी भी टाइम आफ्टर इवैक्यूएशन, या फिर राइजिंग लेवल्स हैं एट 6 मंथ्स आफ्टर इवैक्यूएशन, ठीक है। इसके अलावा हिस्टोलॉजिकल उसका एविडेंस है कोरियोकार्सिनोमा का, या एक्सेसिव वजाइनल ब्लीडिंग TIT हेमरेज इंट्रापेरिटोनियल हेमरेज के साथ प्रेजेंट करती है, या वल्वर वजाइनल मेट्स हैं उसमें, या फिर लंग लीवर ब्रेन स्प्लीन के मेट्स के साथ प्रेजेंट करती है। तो ये इंडिकेशंस हैं फॉर कीमोथेरेपी, फॉर इनिशिएशन ऑफ कीमोथेरेपी। अब सिंगल एजेंट कीमोथेरेपी देनी है या मल्टी एजेंट कीमोथेरेपी देनी है, तो उसके लिए ये है कि उसमें स्कोरिंग सिस्टम है, फिगो का 2000 स्कोरिंग सिस्टम है जिसमें 0, 1, 2 एंड 4 ये 4 कैटेगरीज हैं। इसमें हम उस स्कोर को देखते हैं, अगर वो स्कोर ओवरऑल 6 से कम आता है तो उसको एक एजेंट देंगे, यानी मेथोट्रेक्सेट से करेंगे, ठीक है। अगर मेथोट्रेक्सेट रेजिस्टेंट है तो हम सेकेंड लाइन एजेंट दे सकते हैं जो एक्टिनोमाइसिन डी होता है, ठीक है, या फिर हम एक कॉम्बिनेशन कीमोथेरेपी है वो भी, उसकी भी एक कंडीशन है जिसमें हम उसको दे सकते हैं। और तो मल्टी एजेंट कीमोथेरेपी अगर स्कोर 7 से ज़्यादा आता है तो हमने उसको मल्टी एजेंट कीमोथेरेपी देनी है। इसके अलावा जो एडवांस स्टेज डिजीज़ के साथ आपके पास आते हैं उनमें स्टार्ट में इंडक्शन कीमोथेरेपी होती है और उसके बाद आप स्टैंडर्ड कीमोथेरेपी देते हो, तो ये अपने फ़र्क याद रखना है। अभी हम ये देख रहे हैं कि हमने इनिशिएशन उस टेबल की जो मैंने कंडीशंस बताई हैं उसकी बेसिस पे हमने उसको कीमोथेरेपी स्टार्ट करनी है। अब सिंगल देनी है, मल्टीपल देनी है, उसमें स्कोरिंग है, उसमें एज आती है, अगर एज उसकी 40 से कम है तो 0 स्कोर है, अगर 40 से ज़्यादा है तो 1 स्कोर है, ठीक है। ये बस 2 ही कैटेगरीज हैं। एंटीसीडेंट प्रेगनेंसी, यानी अभी जो आने वाली प्रेगनेंसी है उसकी नेक्स्ट, वो मोलर थी, एबॉर्शन था, ये टर्म थी, टर्म की प्रेगनेंसी थी, तो ये स्कोरिंग हो जाएगी। और अगर मोल थी तो 0, अगर अबॉर्शन था यानी मिसकैरेज था तो 1, और अगर टर्म की प्रेगनेंसी थी तो 2, ठीक है। इंटरवल्स जो है प्रीवियस प्रेगनेंसी से, कितना इंटरवल हुआ है उसका, प्रीवियस प्रेगनेंसी की स्कोरिंग होगी, मोल था, अबॉर्शन था, ये टर्म था, अभी जो अबॉर्शन अभी नहीं बोलते, अभी मिसकैरेज बोलते हैं। अच्छा, थर्ड कंडीशन क्या होगी, इंटरवल प्रीवियस प्रेगनेंसी से कितना होगी, अगर लेस देन 4 है तो 0 स्कोर है, 1 है तो 4 to 6, 2 है, 2 स्कोर कब देंगे, अगर 7 to 12 मंथ्स गुजर चुके हैं लास्ट प्रेगनेंसी को, और अगर 12 या 13 से ज़्यादा मंथ्स हो गए हैं तो वो स्कोर 3 में आएगा। प्री ट्रीटमेंट सीरम HCG लेवल्स उसके कितने थे, ठीक है, उसमें अगर 1000 से कम है तो 0, 1000 से 10,000 है तो 1, 10,000 से 1 lakh है तो 2, ग्रेटर देन 1 lakh है तो 3 स्कोर हो जाएगा। लार्जेस्ट ट्यूमर साइज़ कितना है, लेस देन 3 है 0, 3 to 5 1, ग्रेटर देन 5 2, और इसके अलावा साइट ऑफ मेट्स क्या है और नंबर ऑफ मेट्स कितने हैं। साइट ऑफ मेट्स में अगर लंग में मेट्स हैं 0, स्प्लीन या लीवर में है तो 1, GIT में है तो 2, लीवर और ब्रेन में है तो 3, और नंबर ऑफ मेट्स में अगर उसका कोई मेट्स नहीं है तो 0, 1 to 4 नंबर है मेट्स के तो 1, 5 to 8 2 में आएगा, और ग्रेटर देन 8 अगर नंबर है तो 3 में आ जाएगा। प्रीवियस फेल्ड कीमोथेरेपी अगर उसको हुई है, अगर सिंगल ड्रग यूज़ की थी प्रीवियस कीमोथेरेपी में उसने, तो स्कोर 2 देंगे उसको, और अगर प्रीवियसली कीमोथेरेपी मिली है और वो 2 से ज़्यादा ड्रग्स मिली थी तो वो स्कोर 3 में आएगा। अब हमने इसको स्कोर कर लेना है, उसके अकॉर्डिंग हमें सिंगल या मल्टी एजेंट, तो कौन कौन से इसमें हो गए, एज, प्रीवियस प्रेगनेंसी कौन सी थी, इंटरवल कितना था प्रीवियस प्रेगनेंसी से, अच्छा प्री ट्रीटमेंट अभी उसका सीरम HCG लेवल कितने हैं, लार्जेस्ट ट्यूमर साइज़ कितना है, साइट मेट्स की क्या है और नंबर कितने हैं मेट्स के, और प्रीवियस फेल्ड कीमोथेरेपी सिंगल थी या मल्टी एजेंट थेरेपी थी, उसमें स्कोर 2 या 3 देंगे उसकी बेसिस पे। इसके अकॉर्डिंग कर लिया, जो सिंगल एजेंट थेरेपी है उसमें आपने मेथोट्रेक्सेट देना होता है, ये रैपिडली डिवाइडिंग सेल्स पे एक्ट करती है, इसकी डोजेज क्या होती है 50 मिलीग्राम इंट्रामस्कुलर, ये आप एक दिन देते हो, ठीक है, जैसे आपने दिन में दिया 12 बजे, और नेक्स्ट डे आपने शाम में 6 PM पे फॉलिनिक एसिड देना होता है, 15 मिलीग्राम का एक वायल होता है, 5 मिलीग्राम IM दे सकते हो, इसके अलावा IV इन्फ्यूजन फॉर्म में भी आप इसको देते हो, और अगर आपने ओरल देनी है तो इसकी आपने 6 टैबलेट स्टार्ट में देनी होती है, 5 मिलीग्राम की एक टैबलेट होती है, 30 मिलीग्राम पर ओरल स्टार्ट दे दोगे। अच्छा, डे 1 पे मेथोट्रेक्सेट, डे 2 पे फॉलिनिक एसिड देना होता है, इसी तरह ऑल्टरनेट आपने करते रहना है विद 1 वीक ऑन एंड 1 वीक ऑफ, और जब तक कि उसके लेवल्स जो है वो नॉर्मलाइज नहीं होते, 5 इंटरनेशनल यूनिट्स पर ml से कम नहीं हो जाते बीटा ECG के लेवल्स।
और एक दफ़ा जब कंप्लीट हो जाता है तो उसके बाद भी आपने 6 वीक्स के लिए उसको ट्रीटमेंट मजीद देना होता है, विद 1 वीक ऑन एंड 1 वीक ऑफ, यानी कि 3 डोजेज आपने मजीद उसको देनी है, साइकिल्स देने। जिनका रिस्पॉन्स मेथोट्रेक्सेट से पुअर होता है उनमें सेकेंड लाइन एजेंट होता है एक्टिनोमाइसिन डी, जो कि 1.25 मिलीग्राम पर मीटर स्क्वायर आईवी इसकी डोज होती है, जो एवरी 2 वीक्स आप रिपीट करते हो। एक और कंडीशन है जिसमें अगर एक्टिनोमाइसिन डी से भी रिस्पॉन्स नहीं आ रहा तो उसमें हम एसीजी लेवल्स देखते हैं, ठीक है। हम सेकेंड लाइन में एक्टिनोमाइसिन डी कब देंगे और हम सेकेंड लाइन में इटोपेसाइड मेथोट्रेक्सेट एक्टिनोमाइसिन डी विद साइक्लोफोस्माइड एंड विनक्रिस्टीन का कॉम्बिनेशन होता है, ठीक है। जिनमें बीटीएसी लेवल 1000 से ऊपर आएगा और उनको हम पहले मेथोट्रेक्सेट दे रहे थे, ठीक है, उसके बाद रिस्पॉन्स नहीं आया और 1000 से लेवल ऊपर है तो उनको डायरेक्टली हम क्या करेंगे, CO, ये जो ड्रग्स हैं इनका कॉम्बिनेशन दे देंगे कीमोथेरेपी में। और जिनका लेवल बीटा एसजी का 1000 से कम है तो उनको हम सेकंड लाइन में सिर्फ एक्टिनोमाइसिन डी देंगे, ये मल्टी एजेंट देने की ज़रूरत नहीं है। तो ये है, तो ये लो रिस्क पेशेंट्स जिनमें सिंगल एजेंट कीमोथेरेपी रिक्वायर्ड है, लेकिन सिर्फ एक्सेप्शनल केसेस में जिसमें मेथोट्रेक्सेट रिस्पॉन्स नहीं आ रहा तो सेकंड लाइन में एक्टिनोमाइसिन डी देंगे। अगर उसका लेवल 1000 से कम है और लेवल 1000 से ज़्यादा है डिस्पाइट गिविंग मेथोट्रेक्सेट, तो उसको मल्टी एजेंट आप दे दोगे, ठीक है। बस ये कंडीशन है। और मल्टी एजेंट में कौन सी ड्रग्स आती हैं, EMA and CO कीमोथेरेपी है, week 1 में आप day 1 पे एक्टिनोमाइसिन डी देते हो 0.5 मिलीग्राम आईवी और इटोपेसाइड 2 के साथ में 100 मिलीग्राम पर मीटर स्क्वायर आईवी, मेथोट्रेक्सेट 300 मिलीग्राम पर मीटर स्क्वायर आईवी ये देते हो, और day 2 पे एक्टिनोमाइसिन डी 0.5 मिलीग्राम आईवी, इटोपेसाइड 100 मिलीग्राम पर मीटर स्क्वायर आईवी और फोलिनिक एसिड 15 मिलीग्राम पर ओरल 12 आवरली 4 डोजेज देते हो स्टार्टिंग 24 आवर्स आफ्टर कमेंसिंग मेथोट्रेक्सेट। तो ये day 2 पे हो गया, week 1 में। week 2 में जो day 8 होता है उस पर विनक्रिस्टीन 1.4 मिलीग्राम पर मीटर स्क्वायर, मैक्सिमम 2 मिलीग्राम तक देते हो, और साइक्लोफोस्फामाइड 600 मिलीग्राम पर मीटर स्क्वायर दोगे, ठीक है। तो ये इसकी कीमोथेरेपी मल्टी एजेंट रिजीम है। हाई रिस्क पेशेंट्स वो होंगे जिनमें स्कोर 7 से ज़्यादा होगा, इनमें आपने डायरेक्टली मल्टी एजेंट कीमोथेरेपी देनी है। और इसका ड्रॉबैक्स होते हैं, साइड इफेक्ट्स डिस्कस करने हैं पेशेंट के साथ, नोजिया वॉमिटिंग को आप एंटीमेटिक्स ओंडेंसिट्रोन वगैरह दे के आप कंट्रोल कर लेते हो। और इसके अलावा इनमें क्योंकि माइलोसप्रेशन ही कॉज करती हैं तो इसलिए ग्रेनुलोसाइट कॉलोनी स्टिमुलेटिंग फैक्टर्स हर हफ्ते इनको आप पेशेंट को देते हो ताकि न्यूट्रोपेनिक सेप्सिस ना डेवलप हो इन पेशेंट्स में। इसके अलावा जो है लेथर्जी पेशेंट्स में ज़्यादा होगी रिपीट साइकिल्स की वजह से, पेरिफेरल न्यूरोपैथी डेवलप कर लेते हैं। और अगर ऐसा कुछ होता है तो इनको आप विनक्रिस्टीन स्टॉप करा दो इन पेशेंट्स को। और ACG जब नॉर्मल हो जाता है तो उसके 6 वीक्स पोस्ट यानी 3 मजीद साइकिल्स आपने इनको देने होते हैं आफ्टर कंप्लीशन ऑफ ट्रीटमेंट, जस्ट लाइक सिंगल एजेंट थेरेपी। मल्टी एजेंट में भी आप ट्रीटमेंट कंप्लीट कर चुके हो तो उसके बाद अपने 3 साइकिल्स 1 वीक ऑन एंड 1 वीक ऑफ अपने मजीद इन पेशेंट्स को देने होते हैं। वीक जो ऑन होता है उसमें किस तरीके से देने मैंने बता दिया, day 1 पे क्या देना है, day 2 पे और day 8 पे क्या देना है। अल्ट्रा हाई रिस्क पेशेंट्स भी होते हैं जिनमें एडवांस स्टेज के साथ ही प्रेजेंट करते हैं, समटाइम्स सिर्फ सेरेब्रल मेट्स के साथ प्रेजेंट करेंगे, इनमें इंट्राथीकल मेथोट्रेक्सेट देते हैं। और अगर एडवांस स्टेज है इनमें विद इन 4 वीक्स जो है वो ऑर्गन फेलियर की वजह से डेथ हो सकती है इन पेशेंट्स में, इनको पहले इंडक्शन थेरेपी देते हैं कीमोथेरेपी, जिसमें लो डोज इटोपेसाइड होती है 100 मिलीग्राम पर मीटर स्क्वायर और साथ में सिसप्लेटिन होता है 20 मिलीग्राम पर मीटर स्क्वायर, ये आप देते हो आईवी day 1 और 2 पे और वीकली रिपीट करते हो फॉर अप टू 3 वीक्स और जब तक कि वो टॉलरेट कर लें स्टैंडर्ड डोज थेरेपी, तो फिर उसके बाद आप स्टैंडर्ड डोज थेरेपी इनमें स्टार्ट करा देते हो। और जो प्लेसेंटल साइड ट्रोफोब्लास्टिक ट्यूमर है वो भी मेलिग्नेंट फॉर्म्स थी या एपिथेलियल ट्रोफोब्लास्टिक ट्यूमर है, इनको आप कैसे ट्रीट करते हो, इनको इस तरह से कि जो इनके लिए अगर ये stage 1 डिजीज़ के साथ प्रेजेंट करते हैं जिसमें लोकली एक्सटेंड की हुई होती है, ठीक है, यूट्रस के अंदर ही कन्फाइंड होती है, तो इनमें हिस्ट्रेक्टमी सिंपल हिस्ट्रेक्टमी कर देते हैं विद इन 4 ईयर्स अगर ये प्रेजेंट करती हैं, ठीक है, लिम्फ नोड सैम्पलिंग लेते हैं और साथ में ओवरीज को प्रिजर्व कर लेते हैं विद या विदाउट एडजुवेंट कीमोथेरेपी। और इसके अलावा जो 4 साल के बाद जाके प्रेजेंट करते हैं stage 1 डिजीज़ के साथ उनको साथ में एडजुवेंट कीमोथेरेपी भी दी जाती है, ठीक है। और जो 4 साल के अंदर अंदर मेटास्टेटिक डिजीज़ के साथ प्रेजेंट करते हैं तो उनमें लोकल ट्रीटमेंट का कोई फ़ायदा नहीं है, उनमें फिर आप इटोपेसाइड सिसप्लेटिन और साथ में इटोपेसाइड मेथोट्रेक्सेट और एक्टिनोमाइसिन डी का कॉम्बिनेशन देते हो आंटिल उनका HCG लेवल जो है वो 8 वीक तक नॉर्मल ना हो जाए।
ठीक है। और उसके बाद आप सर्जरी इनके लिए एडवाइस करते हो, रेजिडुअल डिजीज़ जो भी रहती है उसको रिमूव करने के लिए आप इनमें सर्जरी कर देते हो। ये वो पेशेंट्स हैं जो 4 ईयर्स के अंदर प्रेजेंट करते हैं लेकिन एडवांस डिजीज़ के साथ प्रेजेंट करते हैं, विद प्लेसेंटल साइट ट्रोफोब्लास्टिक ट्यूमर या एपिथेलॉइड ट्रोफोब्लास्टिक ट्यूमर इस कंडीशन के साथ। अगर कुछ पेशेंट्स ऐसे हो जो 4 ईयर्स के अंदर प्रेजेंट किए हैं लेकिन हिस्टरेक्टमी नहीं जाते, ठीक है, और अभी उनकी डिजीज़ भी जो इतनी एडवांस नहीं है, तो इनमें एक प्रोसीजर होता है मॉडिफाइड स्ट्रेस मैन प्रोसीजर, उसके थ्रू जो है लोकल डिजीज़ को ट्रीट कर दिया जाता है विद इधर एडजुवेंट कीमोथेरेपी और ताकि वो जो है वो अपनी जो फर्टिलिटी डिज़ायर है वो पूरी कर सकें। लेकिन अभी ये जो अप्रोच है या फिर न्यू एडजुवेंट कीमोथेरेपी की, ये अभी ट्रायल में है, अभी रिकमेंडेड नहीं है। और रिकरेंस रिस्क का भी पता होना चाहिए, इनको ट्रीटमेंट मिली या नहीं मिली, तो इनके बाद फर्दर रिस्क क्या होता है। अगर तो पेशेंट लो रिस्क कैटेगरी में आई थी जिसमें सिंगल एजेंट मिली थी उसको, तो उसमें रिस्क ऑफ रिकरेंस जो है वो 4% है, ठीक है, और जो हाई रिस्क कैटेगरी होती है उसमें रिस्क ऑफ रिकरेंस 8% होता है। इसके अलावा सब सीक्वेंट फर्टिलिटी अगर किसी को डिजायर्ड है तो उसमें क्या चांसेस हैं, आंटी रैनलेस उनको मीनोपॉज डेवलप हो जाए, तो जिनको सिंगल एजेंट मिला होता है मेथोट्रेक्सेट उसमें चांसेस होते हैं। उसमें येस पेशेंट्स में AMH का लेवल लो आता है और पेशेंट काफ़ी वरीड होती हैं, लेकिन उनमें नॉर्मल प्रेगनेंसीज पेशेंट्स को कंसीव करते हुए आराम से देखे उन पेशेंट्स में नॉर्मल प्रेगनेंसीज होती हैं और लाइव बर्थ्स होती हैं, ठीक है, तो इसका SH कोई इतना इफेक्ट नहीं है। और जिनको एक दफ़ा मोलर प्रेगनेंसी हो जाती है उसमें मज़ीद 10-fold इंक्रीज रिस्क होता है नेक्स्ट टाइम, यानी कि 1 in 100 रिस्क होता है उनमें कि वो नेक्स्ट टाइम भी मोलर प्रेगनेंसी के साथ आ जाए आपके पास। जल्दी से लॉन्ग केस के हवाले से डिस्कस कर लेते हैं। अगर मोलर प्रेगनेंसी के साथ पेशेंट प्रेजेंट करती है ब्लीडिंग के साथ, इनलार्ज यूट्रस है उसका, तो उसमें DDs कौन कौन सी हो सकती हैं, थ्रेटन्ड मिसकैरेज हो सकता है, प्लेसेंटल एब्रप्शन हो सकती है, लो लाइंग प्लेसेंटा हो सकता है, मोलर प्रेगनेंसी भी हो सकती है, लोकल कॉजेज हो सकती हैं, इसमें सर्विसाइटिस या वेजिनाइटिस हो सकता है, कोई ट्रोमा की हिस्ट्री हो सकती है, ठीक है। तो जब फर्स्ट ट्रेमेस्टर अर्ली जो प्रेगनेंसीज होती हैं और वो आपके पास ब्लीडिंग के साथ आती हैं, तो अपने माइंड में ये चीज़ें रखनी है, हेमनोरिया की थी फिर बाद में ब्लीडिंग के साथ आई है, यूट्रस एनलार्ज्ड है उसका, ठीक है, उसमें थ्रेटन्ड मिसकैरेज, प्लेसेंटल एब्रप्शन, लो लाइंग प्लेसेंटा, मोलर प्रेगनेंसी या लोकल कॉजेज हो सकती हैं सर्विसाइटिस या वेजिनाइटिस वगैरह की, तो ये आपने रूल आउट करनी होती है। फर्स्ट ट्रेमेस्टर में रूटीन पूछते हैं डेटिंग स्कैन, सॉरी प्लान थी अनप्लान थी या स्पॉन्टेनियसली कंसीव ट्रीटमेंट है, प्रेगनेंसी का कैसे पता चला, यूरिन प्रेगनेंसी टेस्ट कराया, नोजिया वॉमिटिंग था या डेटिंग स्कैन हुआ, ट्विंस थे, सिंगलटन थे, एक्सेसिव वॉमिटिंग तो नहीं थी, वो एक फीचर है एक्सेसिव AHC की वजह से ज़्यादा वॉमिटिंग हो सकती है उसको, फॉलिक एसिड इनटेक था या नहीं, और साथ में जो है उसको ब्लीडिंग की डिटेल उससे पूछनी है, कितनी एपिसोड्स हुई हैं, कितनी अमाउंट थी, फ्रेश था, डार्क था, और ट्रॉमा फ्रेश भी हो सकता है, डार्क भी हो सकता है, एब्रप्शन में अगर रिवील्ड हेमरेज था या अभी ब्लीडिंग उसको हो रही है तो डार्क ब्राउन कलर का होगा, और इसके अलावा वेजिकुलर अगर पैसेज ऑफ वेजिकल्स बताती है तो आपका माइंड जो है वो फिर मोलर की तरफ जाता है, और इसके अलावा कोइटस की हिस्ट्री पूछ रही है, हैवी वेट लिफ्टिंग की, और रेज ब्लड प्रेशर तो नहीं था उसका। वैसे बहुत रेयर होता है कि पेशेंट मेट्स के साथ प्रेजेंट करें, लेकिन हमने हिस्ट्री में सारी चीज़ें रूल आउट करनी होती हैं, इसलिए सिंकपल अटैक्स और जो है फिट्स की हिस्ट्री, राइट हाइपोकोनिक पेन, हिमेचूरिया की, पारेक्टल ब्लीडिंग की या फ्लैंक पेन की हिस्ट्री उससे पूछ लेनी है। रिस्क फैक्टर्स जो हैं वो आपने पूछ लेने हैं, जिसमें प्रीवियस हिस्ट्री आपने पूछ लेनी है, प्रीवियस अगर मोलर की हिस्ट्री है तो इस दफ़ा ज़्यादा चांसेस हैं कि इसकी प्रेगनेंसी में जो है वो मोलर हो। ब्लड ग्रुप आपने बायोडाटा में पूछ लेना है, AA या AB ब्लड ग्रुप के साथ इसकी एसोसिएशन होती है ज़्यादा। और एब्रप्शन के लिए आपने एब्डोमिनल ट्रोमा और पेनफुल या पेनलेस ब्लीडिंग का मस्ट पूछना है, पेनलेस ब्लीडिंग के साथ आई है या प्रीवियस स्कार है तो वो ज़्यादा चांसेस लो लाइंग प्लेसेंटा हो सकता है, पेनफुल ब्लीडिंग है या रेज ब्लड प्रेशर है या ट्रोमा है, पेनफुल ब्लीडिंग के साथ जो है एब्रप्शन हो सकती है, ठीक है, और ये पूछ लिया। अभी फैमिली हिस्ट्री में ज़रूर पूछ लेना है उसका कि उसकी फैमिली में कोई हाइपरमिसिस की, वेजिकल्स के पैसेज की, मोलर प्रेगनेंसी की हिस्ट्री तो नहीं है। तो बायोडाटा में ब्लड ग्रुप इंपॉर्टेंट है क्योंकि A और AB ब्लड ग्रुप मोलर के साथ एसोसिएट कर रहा होता है, और बायोडाटा में उसकी एज इंपॉर्टेंट है, एक्सट्रीम ऑफ एज जो है वो भी इसके साथ एसोसिएट कर रही होती है, और फैमिली हिस्ट्री में फैमिली हिस्ट्री ऑफ मोलर इंपॉर्टेंट है इसमें। बाकी जो इससे पेशेंट से खुद आप हिस्ट्री लेते हो वो डिग्रीज के अकॉर्डिंग आप रूल आउट कर लो, प्रीवियस प्रेगनेंसी मोलर थी या नहीं थी, ठीक है, और वेजिकल्स का पैसेज तो नहीं था इसमें, और पेनफुल ब्लीडिंग थी या पेनलेस ब्लीडिंग थी तो वो एब्रप्शन और लो लाइंग प्लेसेंटा उसमें रूल आउट हो, प्रीवियस स्कार तो नहीं है और लोकल कोइटस वगैरह तो नहीं है उसका, कोई वजाइनल डिस्चार्ज की हिस्ट्री, तो ये सब अपने रूल आउट कर लेना है उसमें। सिस्टेमिक एग्जामिनेशन रूटीन में करना है, ठीक है,
और पीए पे जो है लार्ज डेट्स होंगी तो आपने वो उसको उसके लिए कंसिडर कर लेना, कोई पोली तो नहीं है, माइक्रोसोमिक तो नहीं है। वैसे तो आप हिस्ट्री में कंफर्म कर चुके होते हो, काफ़ी हद तक आपको हिस्ट्री से आइडिया हो जाता है। और बेस लाइन अपने सारी करानी है, ठीक है, जो मैंने पहले बताई हैं। और जो स्पेसिफिक टेस्टिंग होती है उसमें अल्ट्रासाउंड एब्डोमिनल पेल्विस का इसलिए कराते हो कि लीवर और उसमें रीनल में कोई मेट्स वगैरह तो नहीं है। थीका यूटरस सिस्ट से आपको आइडिया हो जाएगा, और इसके अलावा जो यूटरस के अंदर स्टोमा अपेयरेंस है तो उसमें भी आपको काफ़ी हद तक आइडिया हो जाता है कि ये मोलर प्रेगनेंसी है। और इसके अलावा आप जब सीरियल बीटा एसजी कराते हो तो उस पर कन्फर्मेशन हो जाती है कि मोलर प्रेगनेंसी ही है। और साथ में टेस्ट मैट्स के लिए या फिर जो प्री सर्जिकल आप प्री ऑप वर्कअप कराते हो, एक्सरे, ईसीजी, एलएफटीज, आरएफटीज, टीएफटीज, ये आप करा लोगे, ठीक है। पेशेंट को मैनेजमेंट आपने एक्सप्लेन करनी है, आई विल एक्सप्लेन द मैनेजमेंट डायग्नोसिस टू द पेशेंट एंड इट्स क्योर दैट इज़ 100% एंड इफ लेफ्ट अनट्रीटेड इट कैन हैव सीरियस इम्प्लीकेशंस फॉर द पेशेंट। आपने ये सारी चीज़ें उससे काउंसिल करनी है, और इसके अलावा फॉलोअप के लिए उसको काउंसिल करना है, ठीक है। एक दफ़ा ट्रीटमेंट हो जाता है तो उसका फॉलोअप कैसे रखना है और कंसेंट वगैरह लेके रखना है। इन पेशेंट्स को आपने प्रिपेयर रिस्क जो बताने हैं, उसमें एनीमिया का रिस्क ब्लीडिंग की वजह से हो सकता है, और यूट्राइन परफोरेशन हो सकती है प्रोसीजर की वजह से, और परसिस्टेंट जेस्टेशन ट्रोफोब्लास्टिक डिजीज डेवलप हो सकती है, कोरियोकार्सिनोमा, इनवेसिव मोल, या इसके अलावा जो है आपने इनकी कंसेंट डिटेल लेना है क्योंकि इनमें ब्लीडिंग का बहुत ज़्यादा रिस्क होता है, और अगर कंट्रोल ना हो तो इसमें हिस्टेरेक्टमी की जा सकती है। सक्शन इवैक्यूएशन जो कि ट्रीटमेंट ऑफ चॉइस है, प्रोसीजर एक्सप्लेन कर दिया, इंट्रा ऑपरेटिव पोस्ट ऑपरेटिव कॉम्प्लिकेशंस का बता दिया, फर्दर रिकरेंस रिस्क का बता दिया, प्रेगनेंसी के लिए काउंसिल का नेक्स्ट प्रेगनेंसी कैसे करनी है, फॉलोअप कैसे करना है इस पेशेंट में, क्या कॉन्ट्रासेप्शन एडवाइस करनी है, फैमिली कंप्लीट है तो बीटीएल आप इसमें पेशेंट में कर सकते हो। अच्छा, इसके अलावा जो है एनीमिया से रिलेटेड उसको बता देना है, उसको ऑप्टिमाइज होना चाहिए एचपी 11 तक ब्लीडिंग के लिए, और इसके अलावा 2 to 4 यूनिट्स अरेंज करके रखें, डोनर इन हैंड होना चाहिए, और वेल इन्फॉर्म कंसेंट होना चाहिए, और साथ में जो है हिस्टरेक्टमी अगर कंसेंट ऑन सेफ साइड आप पेशेंट को अगर अच्छा काउंसिल करें तो आप हिस्टरेक्टमी कंसेंट लेके रख सकते हैं, और एनेस्थीसिया कंसल्टेशन कर लें, और साथ में जो है नील बाय माउथ, वही जो किसी भी प्रोसीजर से पहले नील बाय माउथ फॉर मिडनाइट, एंड पेशेंट को अर्ली मॉर्निंग शिफ्ट कराओगे, प्री ऑपरेशन सारी करनी है, जिसमें रिमूविंग ज्वेलरी गाउन पहनाओगे, और नील बाय माउथ होना ज़रूरी है उसका, और सीनियर एनेस्थेटिस्ट को रीअसेस करेगा ओटी टेबल पे, उसका ब्लैडर एम्प्टी होना चाहिए, एंटीबायोटिक प्री ऑप देनी है, लिथोटमी पोजीशन में स्क्रब ड्रेप करने के बाद उसका एक पेल्विक एग्जामिनेशन करना है, और उसके बाद यूट्राइन साउंड बिल्कुल नहीं डालना है, लेकिन हिगार डायलेटर से आप उसको चेक कर सकते हो, डायलेट कर सकते हो प्री। अच्छा, गाइडलाइंस में सर्वाइकल राइपनिंग से रिलेटेड है कि आप प्रोलॉन्ग यूज़ ऑफ प्रोस्टाग्लैंडिन स्पेशली ना करो, लेकिन सर्वाइकल राइपनिंग आप थोड़े ड्यूरेशन के लिए आप कर सकते हो पेशेंट में प्रायर टू प्रोसीजर, लेकिन ऑक्सीटोसिन जो एनफ्यून वो अपने प्रायर टू इवैक्यूएशन नहीं यूज़ करनी है। और इसके अलावा जो है इवैक्यूएशन के बाद आप ऑक्सीटोसिन यूज़ कर सकते हो, पेशेंट को हेमरेज है तो उसमें आप रिस्क और बेनिफिट्स को देखते हुए आप ऑक्सीटोसिन यूज़ कर सकते हो, और उसमें 460 to 480 यूनिट्स 1 liter रिंगर लैक्टेट में आप 8 drops पे चला दोगे, और साथ में ट्रांजमिन का रोल नहीं है, और हिस्टोपैथोलॉजी का जो भी कंटेंट होंगे वो प्रोडक्ट्स ऑफ कंसेप्शन को हिस्टोपैथोलॉजी के लिए अपने भिजवाना है। इंट्रा ऑपरेटिव कॉम्प्लिकेशन क्या हो सकती हैं प्रोसीजर में, जीए एसोसिएटेड रिस्क होते हैं जिसमें कार्डिक अरेस्ट, रेस्पिरेटरी फेलियर, हैवी इंट्रा मतलब हेमरेज हो सकता है, मोलर टिश्यू एम्बोलाइज कर सकता है, और यूट्राइन परफोरेशन हो सकती है, ठीक है। पोस्ट ऑपरेटिव परसिस्टेंट वजाइनल ब्लीडिंग हो सकती है, थ्रोम्बोएम्बोलिज्म के चांसेस होते हैं, चेस्ट इन्फेक्शन, यूटीआई, ये सब कुछ हो सकते हैं, डेवलप हो सकता है उसको पेशेंट को। और इन पेशेंट्स की मॉनिटरिंग आप रखते हो 24 आवर्स के लिए तो मास्ट है, वैसे इनके रिपीट 48 आवर्स के बाद बीटा एसजी लेवल्स होते हैं, और फॉलोअप भी होगा तो प्रॉपर गाइडेंस और डॉक्यूमेंटेशन और इनको रिटन इन्फॉर्मेशन सारी लिख के फिर इनको घर भिजवाना है। पहले तो इनको मॉनिटरिंग करनी है फर्स्ट डे पे, तो आप मास्ट 24 आवर्स के लिए इनको हाफ आवरली अपने वाइटल्स के लिए देखना है, ब्लीडिंग के लिए देखना है, ब्लड ट्रांसफ्यूजन अगर इनको चाहिए तो ब्लड ट्रांसफ्यूज करोगे इन पेशेंट्स में। प्रोटोकॉल फॉलोअप का मैंने बता दिया, बैरियर मेथड ऑफ कॉन्ट्रासेप्शन के लिए बेस्ट है, और नेक्स्ट प्रेगनेंसी जो है वो कितने ड्यूरेशन के बाद करेंगे, 6 and 12 months फॉर पार्शियल एंड कम्प्लीट मोल्स, और अगर इनमें कीमोथेरेपी चाहिए हो तो उसमें
आपने 1 ईयर का आफ्टर कीमोथेरेपी कॉन्ट्रासेप्शन एडवाइस करना है। नेक्स्ट प्रेगनेंसी के लिए एडवाइस करना है कि नेक्स्ट प्रेगनेंसी में 8 to 10 वीक्स में अपना अल्ट्रासाउंड कराएंगे, ये बीटा सीरीज लेवल्स कराएंगे और उसमें कंफर्म करेंगे नॉर्मल इंट्राउटराइन प्रेगनेंसी मस्ट है। और जब प्रेगनेंसी टर्म पे कंप्लीट हो जाती है तो पोस्ट डिलीवरी 6 to 8 वीक्स में अपना ये टेस्ट दोबारा कराते हैं बीटा सीरीज लेवल्स के कि नॉर्मल है या वेस्ट तो नहीं है। अगर परसिस्टेंट डिजीज़ के साथ पेशेंट प्रेजेंट करेगी तो उसमें उसको आफ्टर प्रीवियस हिस्ट्री ऑफ मोलर होगी या मिसकैरेज के बाद उसके बाद परसिस्टेंट ब्लीडिंग होगी पेशेंट में, या मेट्स के सिम्टम्स के साथ भी प्रेजेंट कर सकती है। तो हमने हिस्ट्री की डिटेल्स तो वही लेनी है, लेकिन हमने पैसेज ऑफ वेजिकल्स प्रीवियस प्रेगनेंसी में हुआ था, एब्डोमिनल ग्रोथ कितनी थी और कन्फर्म कैसे हुआ था, सारी डिटेल प्रेगनेंसी की हमने लेनी है। और अल्ट्रासाउंड पर कन्फर्म हुई थी इंट्राउटराइन प्रेगनेंसी या मोलर प्रेगनेंसी कन्फर्म था, उसका इवैक्यूएशन हुई थी, उसके टेस्ट भिजवाए थे, जीए हुआ था या कैसे उसका रिमूवल हुआ था, सारा प्रोडक्ट्स ऑफ कंसेप्शन की रिपोर्ट उसके पास मौजूद है या नहीं, कोई वीकली उसका फॉलोअप बीटा एसजी का हुआ है या नहीं हुआ, कीमोथेरेपी मिली या नहीं मिली, ये प्रीवियस आपने जो परसिस्टेंट डिजीज़ होती है उसमें आपने ये सारी चीज़ें पूछनी है पेशेंट से। और सिम्टम्स मेट्स के अलग से पूछ लेने, एक तो प्रीवियस प्रेगनेंसी की डिटेल कि वो मोलर थी या नहीं थी, अल्ट्रासाउंड पे उसका कंफर्म हुआ नहीं, उसकी इवैक्यूएशन हुई, सैंपल्स उसके भिजवाए, हिस्टोपैथोलॉजी रिपोर्ट है यानी जीए में हुआ था, सफाई हुई थी या नहीं, और उसके बाद पोस्ट इवैक्यूएशन उसका बीटा एसिड का फॉलोअप हुआ है या नहीं हुआ, कीमोथेरेपी मिली थी या नहीं मिली थी। और इस तरह मेट्स में अगेन पीवी ब्लीडिंग, ब्रेन मिसिंग कपल अटैक्स, हेडक, वोमिटिंग, ठीक है ये परसिस्टेंट, ये भी ब्रेन से रिलेटेड अगर मेट्स हैं तो, डिस्निया, कफ, चेस्ट पेन, चेस्ट रिलेटेड हो गया, लीवर मेट्स हैं तो राइट हाइपरकॉर्न पेन, फ्लैंक पेन, ब्लैडर हिमेटूरिया होगा, रेक्टल सिम्टम्स में पैररेक्टल ब्लीडिंग होगी इसमें पेशेंट में, तो ये सब पूछ लेना। बाकी प्रोटोकॉल वही है कि इसमें सिंगल एजेंट देनी है, मल्टी एजेंट, वही प्रोटोकॉल फॉलो करना है इसमें। और हर साइकिल से पहले इनमें सीबीसी, आरएफटीज, एलएफटीज, बीटा एसीजी, ये सब अपने टेस्ट कराने होते हैं पेशेंट्स के। काउंसिल अपने यही करना है परसिस्टेंट डिजीज़ में कि आई विल काउंसिल द पेशेंट रिगार्डिंग डायग्नोसिस एंड इट्स 100 एंड ऑल्सो आई विल काउंसिल द पेशेंट दैट इट इज़ 100% क्योरेबल विद कीमोथेरेपी एंड आई विल गिव हर डिफरेंट कीमोथेरेपी रेजिम्स सिंगल एंड मल्टी एजेंट एंड आई विल डू हर स्कोरिंग अकॉर्डिंग टू फीगो एंड इफ इट्स स्कोर इज लेस देन 6 देन आई विल गिव हर सिंगल एजेंट कीमोथेरेपी अदरवाइज आई विल गिव हर मल्टी एजेंट कीमोथेरेपी विद 1 वीक ऑफ एंड 1 वीक ऑन ट्रीटमेंट। अच्छा, ये सब कुछ जो है ये हमारे लेवल का नहीं है, अगर इसका परसिस्टेंट डिजीज़ आती है तो हम इसको रेफर करेंगे ब्लास्टिक स्क्रीनिंग सेंटर जो होता है उसमें, ताकि वहाँ पे इसको कीमो मिल सके ऑनकोलॉजी डिपार्टमेंट में, कि उनके अंडर केयर इसकी ट्रीटमेंट हो प्रॉपर। अच्छा, इसमें जो है क्लियर यही याद रखना है कि इसमें सिंगल कप देनी है, मल्टी वो हमने डिस्कस कर लिया, और कीमोथेरेपी के बाद जो है उसका फॉलोअप कैसे करना। पोस्ट कीमोथेरेपी जो है वीकली बेसिस फॉर 6 वीक्स, 2 वीकली बेसिस फॉर फर्स्ट 6 मंथ्स, ठीक है, आपने उसका बीटा एसीजी करना है। फर्स्ट ईयर आपने मंथली फॉलोअप रखना है, सेकंड ईयर 2 मंथली, थर्ड ईयर 3 मंथली, फोर्थ ईयर 4 मंथली और उसके बाद 6 मंथली फॉलोअप रखना है फॉर लाइफ लॉन्ग, ठीक है, ये जो मल्टी एजेंट कीमोथेरेपी है उसके बाद का फॉलोअप है। अगर सिंगल एजेंट कीमोथेरेपी दी है तो उसके बाद का फॉलोअप थोड़ा सा फ़र्क है इससे, यानी उसमें 2 वीकली अगर आप करते हो, उसमें लिखा हुआ है बुक में हाई रिस्क में कि 2 वीकली फॉर 1 ईयर, जो कि हमारे सेटअप में पॉसिबल नहीं है, तो अपने लिहाज से और पेशेंट के फॉलोअप के लिहाज से आप उसको फ्रीक्वेंट फॉलोअप करा सकते हो। सेकेंड ईयर में वो कह रहे हैं कि 2 मंथली करा लो, थर्ड ईयर में 3 मंथली करा लो, लेकिन 3 साल के बाद हाई रिस्क में लिखा हुआ है फॉर आफ्टर सिंगल एजेंट कीमोथेरेपी कि आप उसको 6 मंथली लाइफ लॉन्ग फॉलोअप विद यूरिनरी बीटा एसीजी आप कराते हो, ठीक है। और मल्टी एजेंट में जो है ना उसमें थोड़ा डिफरेंट है, उसमें वीकली बेसिस पे फर्स्ट 6 वीक्स कराओगे, फिर फर्स्ट 6 मंथ्स के लिए 2 वीकली बेसिस कराओगे, फिर आगे से ईजी से याद रख लो कि मंथली फॉर फर्स्ट ईयर, 2 मंथली फॉर सेकेंड ईयर, 3 मंथली फॉर थर्ड ईयर, 4 मंथली फॉर फोर्थ ईयर एंड 6 मंथली बेसिस फॉर लाइफ लॉन्ग आप फॉलोअप कराते हो, ठीक है। अच्छा, और अब हम गाइडलाइंस डिस्कस कर लेते हैं। हमने डोजेजेस डिस्कस कर ली, सिंगल एजेंट में किस तरह से उसको देंगे, अगर मल्टी एजेंट है तो हम वीक 1 में किस तरह देंगे, और हमने जो मल्टी एजेंट कीमोथेरेपी है उसमें अगर मल्टी एजेंट कीमोथेरेपी से भी रेजिस्टेंट है तो उसकी रेजीम चेंज है कि उसमें आप जो ईएम में दे रहे हो इटोपेसाइड, मेथोट्रेक्सेट, एक्टिनोमाइसिन डी, उसके साथ आप ऑल्टरनेट में इटोपेसाइड और सिसप्लैटिन ऐड कर सकते हो, सिसप्लैटिन 75 mg/m², ठीक है, ये आप ऐड कर सकते हो। गाइडलाइंस में ये है जो कि ग्रीन टॉप नंबर 38 गाइडलाइंस है फरवरी 2010 की RCOG, इसमें उन्होंने बताया हुआ है कि एक तो फीचर्स आपको पता होने चाहिए मोलर के क्या हैं, वो हमें पता है कि ब्लीडिंग है, एनलार्ज यूट्रस है पेशेंट का, एक्सेसिव नोजिया वॉमिटिंग के साथ आ सकती है। अच्छा, इसके अलावा हिस्टोपैथोलॉजी इसकी डेफिनेटिव डायग्नोसिस है,
और सक्शन किरेटाज मेथड ऑफ चॉइस है फॉर ट्रीटमेंट। मेडिकल रिजीम तब यूज़ करोगे अगर फीटल पार्ट्स भी हैं साथ में, इस तरह से रिमूव करना मुश्किल है आपके लिए। एंटीटीज मस्ट लगाओगे अगर आरएच नेगेटिव है। अगर 20 वीक से पहले है तो 250 इंटरनेशनल यूनिट्स लगा दोगे। 20 वीक्स के बाद अगर प्रेजेंट करती है तो आपने उसका क्लिहोर से कैलकुलेट करके लगाना है। अगर हिस्टोपैथोलॉजी पेशेंट की अवेलेबल नहीं है तो उसका बीटा एचसीजी 3 वीक्स अपार्ट आपने पहले चेक करना है, उसके बाद उसको फॉलोअप एडवाइस करना है। अदरवाइज हिस्टोपैथोलॉजी पे कंफर्मेशन के बाद पेशेंट का फॉलोअप स्टार्ट करते हो आफ्टर मोलर प्रेगनेंसी। 2 वीक्स पे हम उसको फर्स्ट एडवाइस करेंगे विजिट, उस पे हिस्टोपैथोलॉजी की रिपोर्ट आ जाती है, उसके बाद आप उसको 2 वीकली टिल नॉर्मलाइजेशन ऑफ हर बीटा एचसीजी हम उसको फॉलोअप कराते हैं और वो हमने प्रोटोकॉल डिस्कस कर लिए। सर्वाइकल रैपनिंग से रिलेटेड गाइडलाइंस में ये है कि अब रिसेंट ये है कि आप प्रोस्टाग्लैंडिंस यूज़ मत करो या प्रोलॉन्ग ड्यूरेशन के लिए यूज़ मत करो, अदरवाइज सर्वाइकल रैपनिंग आप कर सकते हो किसी दूसरी ड्रग से। या अगर प्रोस्टाग्लैंडिंस भी करते हो तो उसकी डोज कम रख के थोड़े से टाइम के लिए आप रैपनिंग कर सकते हो। ऑक्सीटोक्सिक जो है इन्फ्यूजन आपने इवैक्यूएशन के बाद लगानी है। स्वेयर हेमरेज है तो अपने रिस्क और बेनिफिट्स को देखते हुए लगा सकते हो, अदरवाइज नहीं, क्योंकि रिस्क ऑफ एम्बोलाइजेशन होता है। हिस्टोपैथोलॉजी जो है टीओपी टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी, जो कि वायबल प्रेगनेंसी थी जिसका कन्फर्म था आपको और टीओपी किसी वजह से उसको एडवाइज हुई है, उसकी हिस्टोपैथोलॉजी भिजवाना ज़रूरी नहीं है। नॉन वायबल या जिसमें मोलर की सस्पेशन होती है उनमें आपने हिस्टोपैथोलॉजी मस्ट भिजवानी होती है। इसके अलावा जो अगर कहीं पर डाउट है आपको, जैसे एक पार्शल मोड में बाजू का आप उसको गैस नहीं कर सक रहे होते, इन्वेसिव कंडीशन है, तो ट्रोफोब्लास्टिक स्क्रीनिंग सेंटर से आपने कंसल्ट कर लेना है। ट्विंस हैं अगर तो उसमें लाइव बर्थ रेट 25% है, इसलिए आप इन पेशेंट्स को टर्मिनेट नहीं करते, इनको क्लोज मॉनिटरिंग के साथ और काउंसलिंग के साथ आगे लेके जाते हो और इनकी कैरियोटाइपिंग करा लेते हो प्रीनेटल। रजिस्ट्रेशन मस्ट करनी है इन पेशेंट्स की जिनमें ये डायग्नोज हो जाता है कि इनमें से प्री मैलिग्नेंट या मैलिग्नेंट कंडीशन डायग्नोज हो जाती है, और नेक्स्ट प्रेगनेंसी 6 to 8 वीक्स नेक्स्ट प्रेगनेंसी जो है उसमें पोस्ट डिलीवरी 6 to 8 वीक्स पे आपने बीटा एचसीजी कराने होते हैं। और बाकी सिंगल एजेंट देनी है, मल्टी एजेंट अकॉर्डिंग टू फिगो देनी होती है अपने। बैरियर मेथड्स एंड बेस्ट और साथ में पेशेंट को आपने जब कीमोथेरेपी देनी होती है मल्टी एजेंट तो आपने काउंसिल करना है कि जो इटोपोसाइड होती है उससे सेकेंडरी कैंसर्स होने के चांसेस होते हैं। शॉर्ट से रिवाइज कर लेते हैं उसको। मोलर प्रेगनेंसी होती है, ये प्लेसेंटा की एग्जिट ग्रोथ होती है, ट्रोहोब्लास्टिक हाइपरप्लेसिया होता है, और इसमें इसकी टाइप्स होती हैं, प्री मेलिग्नेंट टाइप्स होती हैं, मेलिग्नेंट फॉर्म्स होती हैं। प्री मेलिग्नेंट में कंप्लीट मोल, पार्शियल मोल या प्लेसेंटल साइड नोड्यूल्स होते हैं। इसके अलावा जो मेलिग्नेंट फॉर्म्स होती हैं उसमें इन्वेसिव मोल है, कोरियोकार्सिनोमा है, प्लेसेंटल साइड ट्रोहोब्लास्टिक ट्यूमर है, पिथेलोइड ट्रोहोब्लास्टिक ट्यूमर है, ये इसकी मेलिग्नेंट फॉर्म्स हैं। जो पार्शियल मोल होता है, जो कंप्लीट मोल होता है उसमें वो डिप्लोइड होता है, और जो पार्शियल मोल होता है वो ट्राइप्लोइड होता है। इसके अलावा जो कंप्लीट मोल है उसमें फ्लोरिड अपेयरेंस होती है, वेजिकुलर अपेयरेंस होती है, और ट्रोहोब्लास्टिक हाइपरप्लेसिया होता है, हाइड्रोपिक पिलाए होते हैं, और इसमें फीटस नहीं होते हैं, ब्लडिंग डेवलपमेंट मिनिमल होती है। जो पार्शियल मोल होता है उसमें प्लेसेंटा लार्ज होगा और साथ में जो है अगर फीटस होता भी है तो ग्रोथ रिस्ट्रिक्टेड फीटस होगा, और एक कंडीशन होती है जिसमें 2 पेटर्नल की बजाय 2 मेटर्नल सेट्स इन हैप्लोइड सेट्स होते हैं और 1 पेटर्नल सेट होगा, और इसमें प्लेसेंटा जो है लार्ज की बजाय छोटा प्लेसेंटा होगा, साथ में ग्रोथ रिस्ट्रिक्टेड फीटस होता है। और इसके अलावा जो कंप्लीट मोल है उसको डायग्नोस अल्ट्रासाउंड पे आप वैसे तो दोनों की डेफिनेटिव डायग्नोसिस हिस्टोपैथोलॉजी होती है, हिस्टोलॉजी का रिपोर्ट होती है, एग्जामिनेशन होती है, लेकिन जो अल्ट्रासाउंड पे फीचर्स होते हैं वो कंप्लीट मोल में इनिशियली तो हनीकॉम अपीयरेंस होगा, लेटर ऑन जाके स्नो स्टॉर्म अपीयरेंस होती है, साथ में थीका ल्यूटियल सिस्ट होती हैं ओवरीज के अंदर एक्सेसिव एचसीजी की वजह से। और जो पार्शियल होता है उसको अल्ट्रासाउंड पे उसके फीचर्स थोड़े डिफिकल्ट होते हैं, मतलब प्लेसेंटा अगर बाजू का प्लेसेंटा के साथ ग्रोथ रिस्ट्रिक्टेड सब फीटस होता है, इसलिए उसको डायग्नोज करना थोड़ा मुश्किल होता है। दूसरा ये कि जो कंप्लीट मोल है उसमें बीटा एचसीजी लेवल्स ब्लैक में होंगे, जबकि जो पार्शियल मोल है उसमें हो सकता है नॉर्मल प्रेगनेंसी की रेंज में हो, तो इसलिए डेफिनेटिव डायग्नोसिस जो हिस्टोलॉजिकल एग्जामिनेशन के बाद ही होती है। इनका जो बेसलाइन टेस्ट होते हैं स्पेसिफिक टेस्ट में LFTs, RFTs, बीटा एचसीजी, TFTs, CBC मस्ट कराना है बेसलाइन में, और चेस्ट एक्सरे करा लेते हो आप या प्री ऑप वर्कअप कराना है तो साथ में आपने ECG वगैरह, और बहुत एडवांस स्टेज में अब जो बहुत रेयर होता है उसमें आप CT MRI की जरूरत भी पड़ सकती है। और इसमें जो थेरेप्यूटिक है वो इवैक्यूएशन इन केरेटाज, सक्शन इन केरेटाज जो है वो ट्रीटमेंट ऑफ चॉइस है। और अगर फैमिली कंप्लीट है, पेशेंट खुद विलिंग है, या चांसेस ऑफ रिकरेंस हैं और तो उसमें आप हिस्टरेक्टमी कर सकते हो। और इसके अलावा जो है उसमें 50% तक रिडक्शन हो जाती है परसिस्टेंट ट्रोफोब्लास्टिक डिजीज़ की। और इसके अलावा जो है अगर फीटस ग्रोथ रिस्ट्रिक्टेड
फीटस या फीटल पार्ट्स हैं तो उस केस में सेक्शन के लिए डाइट डिफिकल्ट होगा, तो आप मेडिकल मैनेजमेंट कर सकते हो। आरएच नेगेटिव है तो अगर 20 वीक से पहले प्रेजेंट करती है तो उसमें 250 इंटरनेशनल यूनिट्स प्रोग्राम लगाना है, और अगर उसके बाद प्रेजेंट करती है तो पहले हॉट टेस्ट करके कैलकुलेट करके डोज फिर लगानी है अपने उसको पेशेंट को। जो इसके अलावा इन पेशेंट्स का फॉलोअप है अपने, कैसे अगर मोलर प्रेगनेंसी होगी तो इनको बीटा एसजी पे फॉलोअप रखना है 2 वीकली, और अगर विद इन 8 वीक्स और 56 डेज अगर बीटा एसजी लेस देन 5 इंटरनेशनल यूनिट्स हो जाता है तो फिर उसका पोस्ट इवैक्यूएशन काउंट करना है और 6 मंथ्स के लिए फॉलोअप करके स्टॉप कर देना है, और इन 6 मंथ्स के दौरान वो कंसीव नहीं करेगी, उसको कॉन्ट्रासेप्शन में बैरियर मेथड्स एडवाइस करने हैं। और जो कंप्लीट मोल है उसमें 12 मंथ्स का कॉन्ट्रासेप्शन और पार्शियल में 6 मंथ्स के लिए। अच्छा, अगर उसका जो बीटा एसजी लेवल है वो लेस देन 56 डेज़ के बाद यानी 8 वीक्स के बाद आता है तो उसमें फिर यह है कि जब नॉर्मल लेवल जो उनसे होगा उससे कैलकुलेट करना शुरू करना है डेज़ को, और 6 मंथ्स ऑनवर्ड आपने मंथली उसका फॉलोअप कंप्लीट करना है। ये इसका फॉलोअप हो गया। कीमोथेरेपी किन पेशेंट्स में दोगे जिनमें या तो 20,000 से ज़्यादा है बीटा एसजी पोस्ट हुए क्वेश्चन, या किसी भी टाइम राइजिंग स्टैटिक लेवल्स है, या फिर 6 मंथ्स पोस्ट हुए क्वेश्चन राइजिंग लेवल्स है, इसके अलावा हिस्टोलॉजिकल एविडेंस है कोरियोकार्सिनोमा का, या उसमें मेट्स है, वल्वल वेजाइनल मेट्स है, GIT इंट्रापेरिटोनियल हेमरेज है, या फिर उसमें जो है लंग्स लिवर स्प्रीन मेट्स प्रेजेंट है, तो इनमें इंडिकेशन है कीमोथेरेपी की। और उसके बाद कीमोथेरेपी आप देते हो तो सिंगल एजेंट देनी है, मल्टी एजेंट देनी है, तो वो अपने फिगो स्कोरिंग सिस्टम है जिसमें एज देखते हो 35 से ऊपर है या 35 से नीचे है या ऊपर एज है, तो 0-1 स्कोर है, 0-1-2-4-4 इसके ग्रेड्स हैं, 4 नंबर्स हैं स्कोरिंग के, और इनको टोटल कैलकुलेट करके आप देख लेते हो। अगर 6 से कम है स्कोर तो आपने सिंगल एजेंट देनी है, अगर 6 से ज़्यादा है तो फिर आपने मल्टी एजेंट देनी होती है। और ये जो स्कोरिंग जिसमें एज, प्रीवियस प्रेगनेंसी को किस तरह की थी, इंटरवल कितना था, साइट ऑफ मेट्स क्या है, साइज ऑफ ट्यूमर क्या है, ठीक है, और इसके अलावा प्रीवियसली सिंगल एजेंट मिली थी, मल्टी एजेंट मिली थी, ये सारा जो है मैंने पहले लेक्चर में मेंशन कर दिया। सिंगल एजेंट देते हो तो उसमें मेथोट्रेक्सेट है 50 mg IM, और साथ में आपने फॉलिनिक एसिड नेक्स्ट डे शाम को 6 बजे, यानी एक दिन अगर आपने दिन में लगाया तो नेक्स्ट डे शाम में आपने फॉलिनिक एसिड देना है साथ में, उसका भी रेजीम मैंने बता दिया। और अगर मल्टी एजेंट देनी है, अच्छा अगर सिंगल एजेंट में वो रेजिस्टेंट है, सेकंड लाइन एक्टिनोमाइसिन डी होती है 1.75 mg/m², और अगर जो है उसका वो भी इस केस में अगर उसका बीटा एसजी लेवल जो है वो 1000 से कम है, अगर उससे ज़्यादा है तो फिर उसको आपने सेकंड लाइन में जो है वो इटोपेसाइड, मेथोट्रेक्सेट, एक्टिनोमाइसिन डी और साथ में विनक्रिस्टिन, साइक्लोफॉस्मेट का कॉम्बिनेशन देना होता है, जस्ट लाइक मल्टी एजेंट थेरेपी। और मल्टी एजेंट का भी डोजेजेस जो भी हैं, क्या प्रोटोकॉल है वो भी बता दिए। जो सिंगल एजेंट है और 1 वीक ऑफ एंड 1 वीक ऑन देना है, और अल्टरनेट करना है फॉलिनिक एसिड के साथ मेथोट्रेक्सेट को। और इसके अलावा जब नॉर्मल हो जाते हैं बीटा एसजी लेवल्स, तो उसके बाद भी 3 डोजेज आपने देनी होती हैं, 3 साइकिल देने होते हैं 6 वीक्स के। इस तरह जो मल्टी एजेंट है उसकी भी डोजेज मैंने बताई है, क्या प्रोटोकॉल है उस तरह से देना है, और नॉर्मल हो जाने के बाद भी 3 साइकिल आपने देने होते हैं पेशेंट्स को। और थेरेपी के बाद जो फॉलोअप है, सिंगल एजेंट थेरेपी के बाद का जो फॉलोअप है वो 2 वीकली फॉर फर्स्ट ईयर, मंथली फॉर सेकंड ईयर, और 3 मंथली फॉर थर्ड ईयर, और उसके बाद अपने 6 मंथली यूरिनरी बीटा एसजी से लाइफ लॉन्ग फॉलोअप कराना होता है। मल्टी एजेंट में ज़रा फ्रीक्वेंट फॉलोअप बताया हुआ उन्होंने 2 वीकली, उसके बाद मंथली 2 वीकली फॉर 6 मंथ्स, और उसके बाद मंथली फॉर फर्स्ट ईयर, फिर 2 मंथली फॉर सेकेंड ईयर, 3 मंथली फॉर थर्ड ईयर, 4 मंथली फॉर फोर्थ ईयर, और उसके बाद 6 मंथली इसका। मतलब आपने बेसिकली फॉलोअप अपने पेशेंट के अकॉर्डिंग भी करना है, अगर कितना फॉलोअप करा सकती है, उसको काउंसिल करना है, डॉक्यूमेंट करना है प्रॉपर, सारी अल्ट्रासाउंड की फाइंडिंग्स को, उसकी ट्रीटमेंट को, उसकी मेडिकेशंस को, और घर में, और फिर उसको नेक्स्ट फॉलोअप कब बताना है, कब उसने दोबारा आना है, ये सारा अपने पेशेंट को गाइड करना है। नेक्स्ट प्रेगनेंसी कीमोथेरेपी के बाद 1 साल के लिए वो प्रेगनेंसी नहीं करेगी, और बेस्ट मेथड बैरियर मेथड ऑफ कॉन्ट्रासेप्शन है। इसके साथ ही मोलर प्रेगनेंसी का टॉपिक कवर होता है, और अल्लाह हाफिज़।